कार्यकाल से अलग करके देखा जाता है। देखिए इस 9 वर्ष के कार्यकाल में सबसे बड़ी बात है कि जो बुद्धिजीवी है प्रबुद्धजन है उसके बीच में जाना, 9 साल की उपलब्धियों को उनके बीच में रखना, यह एक हमारा कार्यक्रम है। हर लोकसभा में हमारे जो और विधानसभा में रैलियां भी होगी, उसी के साथ साथ अनेकों कार्यक्रम जनसंपर्क के इसमें होंगे और आम जनता को यह बताने का हम काम करेंगे, गरीब कल्याण के काम हुए हैं, किस प्रकार से भारत का गौरव बढ़ा है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उनकी प्रतिबद्धता किस प्रकार से और गौरवान्वित हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, यह बताने का काम करेंगे और देश का विकास बहुत हुआ। एक और बात का इंतजार है, थोड़े दिन बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्टर कूल अरुण सिंह जी जो हैं वो कोई नाराज कई लोग हैं उनको मना लेंगे, यहीं पर घर लेने वाले हैं कहा जा रहा है कि आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है, सभी एक साथ काम कर रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में आपकी व्यस्तता थी, बहुत सारे लोग नाराज है, क्या उन्हें धीरे धीरे कैंप करके नहीं, कोई नाराजी नहीं है तो मनाएंगे क्या, सब एक मोदी जी के नेतृत्व में सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, सब करना चाहते हैं, तो कोई नाराज हो तो बात करें हम। ऐसा है कि हम लोगों ने पहले जन आक्रोश यात्रा निकाली, जन आक्रोश सभा किया, फिर जिले में जन आक्रोश घेराव किया, आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन यह जयपुर के राजधानी में होने वाला है, उसकी तिथि अनाउंसमेंट होगी और सरकार को घेरेंगे, जयपुर चलो का नाम आंदोलन करेंगे, बहुत विशाल आंदोलन होगा। स्थानीय मुद्दे चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे राजस्थान के चुनाव में आपके लिए, राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, कांग्रेस कहती है बोले स्थानीय मुद्दों पर लड़के बताओ हम देखें। केवल और केवल हम प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय मुद्दे लेंगे, अगर स्कूल की हालत खराब है, सड़कें टूटी हुई है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, ये सारे डीजल पेट्रोल सबसे महंगा यहाँ राजस्थान में, कानून व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ पे, यह मुद्दे राजस्थान के हैं, अपीजमेंट का मुद्दा राजस्थान का, यह मुद्दा स्थानीय मुद्दा, स्थानीय मुद्दा प्रदेश के हित के, प्रदेश के मुद्दों को लेकर के हम अवश्य रूप से 2023 के चुनाव में जाएंगे। ओपीएस कोई वहाँ बहुत बड़ा इशू नहीं था, वहाँ हमारे 36% वोट पहले थे, अभी भी 36% ही वोट है, वोट में कमी नहीं आई है, वो क्या जेडीएस का वोट जो है वह शिफ्टिंग हुआ कांग्रेस की तरफ से। एक सर, ये पार्टी अधिकांश कार्यक्रमों से सुंदर राज्य की नाम की पॉलिटिकल कॉरिडोर का ये क्वेश्चन भी उठ रहा है कि आखिरकार वजह क्या है, मुझको नहीं लगता कि आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह तो सभी कार्यक्रमों में दिख रही हैं, प्रधानमंत्री जी की जो सभा होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा होती है, गृह मंत्री जी की सभी कार्यक्रम हो रहे हैं और कार्यसमिति में भी रहेंगे, तो वह यह मुद्दा मतलब मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि हर जगह उनकी उपस्थिति है। पिछली बार तो इस समय उनकी यात्रा शुरू हुई थी, इस बार मैं देख रहा हूँ पार्टी में कोई एक विशेष रूप से यहाँ पर एक ऐसा चेहरा प्रोजेक्ट, भैया 200 विधानसभाओं में 200 यात्राएं एक साथ हो चुकी हैं, जिले का घेरा हो चुका है। नहीं मैं बात कर लो, पार्टी सब कर रही है, कार्यक्रम तो कर ही रहे ना। थैंक यू।